तो गुना में कंट्रोल संचालक की मनमर्जी के चलते हितग्राही परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम से गुहार लगाते हुए कहा कि कंट्रोल संचालक चन्ना और जवार गप कर गया। गौरतलब है कि आरोन की ग्राम पंचायत टंग परोरिया के शासकीय उचित मूल्य दुकान की मनमर्जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि टंग परोरिया की शासकीय उचित मूल्य की दुकान पहले से भी चर्चाओं में बनी हुई है। कुछ समय पहले भी इस दुकान पर सामग्री ना बांटने का आरोप लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं फूड इंस्पेक्टर की साठ गांठ के चलते केस को रफा दफा कर दिया गया था। ऐसे कई दुकानें हैं, इन पर गरीबों के हक का निवाला डकार लिया जाता है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे देखता रहता है और कोई कार्रवाई नहीं करता। थोड़ा जोर से बोलिए। गेहूँ नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा, राशन राशन नहीं मिल रहा आपको। तो राशन जो बांटता है उसका नाम क्या है? शैलेन। क्या शैलेन? पूरा नाम बता। शैलेन ढाका। और क्या क्या जो आया था, जैसे ज्वार आई, ज्वार बांटी की नहीं बांटी? ज्वार बांटी, सड़ी बांटी थी। अच्छा, सड़ी हुई ज्वार बांटी थी। आपको पूरा राशन मिलता है समय पे? नहीं मिलता। नहीं मिला, नहीं मिलता आपको। तो क्या चाहते हैं आप, प्रशासन से क्या मांग रखते हैं? वो गेहूँ मिला ला रहे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आज जो आवेदन दिया है तहसीलदार को, वो किस चीज़ को लेकर दिया है? ये राशन नहीं बांटता है, मतलब अरे ज्वार आई थी, सड़ी ज्वार दही, चना बेच खाए, टाइम पे दुकान नहीं खोलता है। कौन, क्या नाम है उसका? शैलेन।